To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दी जाएंगी तीन छोटी छोटी पजल्स। पजल को देखना है, एक या दो मिनट का वक्त लेना है, उत्तर देना है, उसके बाद आप मेरा उत्तर देखें। ये समझ करके चलिए कि ये पजल्स आपकी सोच की परीक्षा है। कहीं कहीं पर लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिखें। कहीं कहीं ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लें। लेकिन सॉल्व अपने से करें, उसके बाद ही उत्तर देखें। तो चलिए देखते हैं पहली पजल। पहले भाग में आपको दी गई है संख्या 32। 32 को दो भाग में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि दोनों भागों को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिले प्राइम नंबर एज रिजल्ट। 32 को दो भाग में बांटें, 32 को दो संख्याओं में बांटें, इस तरह से बांटें कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आपको प्राइम नंबर मिले। सोचिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 32 को दो भाग में बांटना है। सबसे पहला भाग होगा 31+1 और 31+1 आपको उत्तर देता है, दूसरा कोई भी उत्तर आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी पजल। दूसरी पजल है, एक किसान के पास में भैंसे हैं और मुर्गियां हैं। किसान आपसे कहता है, मेरे फार्म में 12 सर हैं और 34 पैर हैं। 12 सर और 34 पैर के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि उस किसान के पास कितनी भैंसे हैं और कितनी मुर्गियां हैं? आंसर बहुत सिंपल है, 5 भैंसे हैं, 7 मुर्गियां हैं। क्यों? B+C=12। एक सर है दोनों के पास। बफेलो के पास 4 पैर हैं और चिकन के पास 2 पैर हैं, इसलिए 4B+2C=34। आप इक्वेशन को सॉल्व करें। यदि आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो टेबल बनाएं। टेबल कैसे बनेगी? 11B+1C=46 लेग्स। बफेलो का नंबर घटाएं, चिकन का नंबर बढ़ाएं, 10B+2C=44 लेग्स। और इसी तरह चलते चलें जब तक आपको 12 हेड और 34 पैर नहीं मिले। अब देखते हैं तीसरी पजल। तीसरी पजल कुछ इस तरह से है, एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं। गेम शुरू होने के पहले हर खिलाड़ी को हर दूसरे खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाना है। अब आप बताइए कि टोटल हैंडशेक कितने होंगे? लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना है मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। सिंपल है, उत्तर में बताऊं, 55। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी 55। कैसे? पहला खिलाड़ी 10 लोगों से हाथ मिलाएगा, दूसरा खिलाड़ी 9 लोगों से हाथ मिलाएगा क्योंकि पहले वाले से मिला लिया, तीसरा खिलाड़ी 8 लोगों से हाथ मिलाएगा, इसी तरह आखिरी वाला खिलाड़ी सिर्फ एक से हाथ मिलाएगा। 10+9+8+1=55। यहां पर मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इस तरह की पजल्स आप बहुत बार न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में पाएंगे। जब भी आपको इस तरह की पजल्स मिले, रुक जाइए, सॉल्व कीजिए। नुकसान होगा नहीं, वक्त जाएगा, लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी सोच की गति बढ़ेगी। सोच की गति बढ़ने के साथ साथ हम अलग अलग दिशाओं में सोच पाएंगे। किसी भी समस्या को हम चारों तरफ से, चारों बाजू से देख पाएंगे। वी विल बी एबल टू सी ऑल साइड्स ऑफ एन इश्यू। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह विभिन्न कुशलताओं को विकसित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।